ही ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्स नेट चैनल। तो ऑल डियर स्टूडेंट, टुडे हम डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के पूरी डिटेल्स के बारे में कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी कोर्स जो है वह कौन कर सकता है, कितने ईयर का होता है, फीस कितना है इसके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, इसके जॉब ऑप्शन क्या है फ्यूचर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है बीपीटी कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीपीटी कोर्स है क्या। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इज अ फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जो बीपीटी कोर्स है वह जो फोर ईयर का 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इंक्लूडिंग कंपलसरी ऑफ 6 मंथ ऑफ क्लिनिकल इंटर्नशिप, जिसमें जो है आप लोग का 6 महीने का इंटर्नशिप होगा और 6 और 4 वर्ष का जो है आप लोग का स्टडी का जो है सेशन चलेगा। देन इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, एंड इन्वॉल्विंग द साइंस ऑफ फिजिकल मूवमेंट एंड डाइट, प्रिवेंटिंग डिसीज एंड डिसेबिलिटी। टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्स, एस्पायरिंग कैंडिडेट नीड टू हैव अटेंड द 10+2 क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड। द कोर्स इज ऑफर्ड इन द कंट्री एट एन एवरेज एनुअल कोर्स फी रेंजिंग बिटवीन ₹1 and ₹5 lakhs बेरिंग अक्रॉस इंस्टीट्यूट। तो हम लोग यहाँ पे जान लिए हैं कि जो मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो बीपीटी कोर्स है वह जो क्या है 4 साल का कोर्स है, जिसमें 6 महीने का जो कि 4 साल का कोर्स है और 6 महीने का आप लोग का इंटर्नशिप होता है। तो चलिए इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट इस बीपीटी कोर्स के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया, टू बी एलिजिबल फॉर बीपीटी एडमिशन एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रीक्विजिट और इक्विवेलेंट। तो वही स्टूडेंट जो कि बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके पास जो है निम्न जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक जो है एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहला यह होना चाहिए कि मस्ट हैव कम्प्लीटेड 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। तो जो भी स्टूडेंट बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, तो वो जो है 10+2 का जो है क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि 12th जो है पास आउट हो चुके हैं और उनके 12th में जो 50% मार्क्स होने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया, मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट 10+2 लेवल। और आपके जो 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए वह जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, मस्ट पॉजिज अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, और आपको जो है अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज जो है आना चाहिए। देन उसके बाद मस्ट बी 17 ईयर्स और ओल्डर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और आपकी जो एज होनी चाहिए वह जो 17 साल से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब 17 साल होना चाहिए। अगर आप 16 ईयर के हैं तो आप जो है बीपीटी कोर्स जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, अगर आप 17 ईयर के हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि आप लोग के जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है अगर आप बीपीटी कोर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन पब्लिक सेक्टर इन वेरियस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग, तो आप जो है पब्लिक सेक्टर में वेरियस डिपार्टमेंट में जो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो किस किस डिपार्टमेंट में कार्य कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, एंड नेक्स्ट बात आती है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, एंड अदर दिया गया है मिलिट्री हॉस्पिटल्स, देन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड अगला है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड जो स्पोर्ट अथॉरिटीज़ इत्यादि इट्स में जो आप लोग जो है जॉब कर सकते हैं, ये जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग जॉब कर सकते हैं। देन इसके बाद दिया गया है अदर करियर प्रॉस्पेक्ट इन प्राइवेट सेक्टर, आप जो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, आर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, एंड नेक्स्ट आता है स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, एंड जो है फिटनेस कंसल्टेंट के रूप में, देन उसके बाद होम हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में, एंड जो स्कूल यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में जो यहाँ पर स्कूल और यूनिवर्सिटी में आप लोग जो एकेडमिक टीचर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे दिया गया है रिसर्चर एजुकेटर एंड जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जो आप लोग वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया प्राइवेट प्रैक्टिस ओनर के रूप में एंड इंटरनेशनल वर्क के रूप में आप लोग जो है अपना जॉब कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है आप लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम किस मतलब कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप लोग बीपीटी कोर्स में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो कोर्स है उसमें जो एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, सीयूट जो कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप इसको जो इसका फॉर्म फिल करके इसको क्लियर करके आप लोग जो है बीपीटी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को जो स्टार्टिंग डेट है 15 मई 2024, यहाँ पे दिया
मतलब एग्ज़ाम डेट जो दिया गया है इस फॉर्म जो मतलब सीट के थ्रू जो भी कोर्स चाहे जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो सीट का जो एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे 15 मई 2024 से लेके 31 मई 2024 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया तो सीट शेड्यूल या आपको उसके वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है कीसेट, तो इसका भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट है वह 20 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्लियर मतलब जो है कम्प्लीट हो जाएगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। देन आता है नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम IPU सेट, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है जून 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। देन आता है LPU नेक्स्ट, इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 20 जनवरी 2024 से लेके 5 फरवरी 2024 के बीच में जो है कंडक्ट हो चुका, मतलब कि यह इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वह हो चुका है। देन नीट की बात करते हैं तो नीट के थ्रू आप जो है नीट का फॉर्म फिल करके आप जो है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 5 मई 2024 को होगा, आप लोग जो नीट के थ्रू BPT कोर्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स, BHMS, BAMS, BDS एंड MBBS जैसे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है BPT कोर्स सेमेस्टर फर्स्ट में आपके कौन कौन से जो है आपका कौन कौन सा सिलेबस होगा, तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बेसिक नर्सिंग, ये चारों सब्जेक्ट जो है आपको BPT कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो है स्टडी करना होगा। देन BPT कोर्स सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो है बायो मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी, इन चारों सिलेबस का जो आप लोग को स्टडी करना है। देन इसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे BPT कोर्स सेमेस्टर 3, तो यहाँ पे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट एड एंड CPR, तो आप यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड CPR ये जो यहाँ पे चारों सिलेबस दिए गए इसका स्टडी आपको जो BPT कोर्स थर्ड सेमेस्टर में करना होगा। एंड अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं BPT कोर्स सेमेस्टर 4 की, तो आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर में जो है एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रीटमेंट, ये चारों जो यहाँ पे सिलेबस दिए गए इनका जो आपको स्टडी करना होगा BPT फोर्थ सेमेस्टर में। देन यहाँ पे आपका आ जाता है BPT कोर्स 5 सेमेस्टर, तो यहाँ पे दिया गया है 5 सेमेस्टर में आपको जो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रामेटोलॉजी का जो यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा। देन यहाँ पे आता है BPT कोर्स 6 सेमेस्टर, तो 6 सेमेस्टर में जो आपको ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, सुपरविज्ड रोटेटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड एलीट थेरेपी इत्यादि का जो यहाँ पे आपको जो है अध्ययन करना होगा, स्टडी करना होगा। देन आपका आ जाता है BPT कोर्स 7 सेमेस्टर, तो 7 सेमेस्टर में आपको न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिन, न्यूरो फिजियोलॉजी, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन इत्यादि का जो यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा। देन बात करते हैं BPT कोर्स 8 सेमेस्टर में, तो 8 सेमेस्टर में आपको सुपरविज रोटेटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग, एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी एंड प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट इत्यादि का आपको यहाँ पे जो है लास्ट में आपका प्रोजेक्ट होके आपका जो है सेमेस्टर जो है 8 सेमेस्टर होगा वह कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो है आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। देन बात करते हैं कैंडिडेट कैन चेक अदर पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर BPT कोर्स इन द टेबल बिलो, तो यहाँ पे जो आप लोग के लिए अनदर कॉलेज है मतलब जहाँ जहाँ से आप लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ जहाँ से आप लोग BPT कोर्स कर सकते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे और उन कॉलेज में फीस कितना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉलेज बात करते हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SGPGI जो कि लखनऊ में है के नाम से जाना जाता है। तो इस कॉलेज में जो BPT कोर्स की फी वह 2.2 लाख है। देन उसके बाद दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे जो है 50,000 रुपये यहाँ पे जो फीस है BPT कोर्स की। देन यहाँ पे दिया गया है दत्ता मेघी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे जो 7.8 लाख रुपये फीस BPT कोर्स की। देन यहाँ पे दिया गया है जामिया हमदर्द, यहाँ पे 3 लाख फीस है जो है BPT कोर्स की टोटल। देन इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना, जहाँ पर 3 लाख फीस जो है BPT कोर्स की टोटल। एंड नेक्स्ट कॉलेज है पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर जो BPT कोर्स की फ़ी है वह 40,500 रुपये है पर मंथ नहीं पर ईयर। देन इसके बाद यहाँ पे दिया गया है रिचीटेंट एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, यहाँ पे जो 12 लाख जो है फ़ी है BPT कोर्स की टोटल। एंड अनामलाई यूनिवर्सिटी में जो आपका 1.3 लाख लगेगा। देन इसके बाद केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो है 1.4 लाख टोटल फीस लगेंगी। एंड जो टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज है इसमें जो 1.1 लाख रुपये है BPT कोर्स की फ़ीस। देन अब हम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट कैन चेक अदर पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज फॉर BPT कोर्स इन द टेबल बिलो,
यहाँ पे कॉलेज नेम दिया गया, यहाँ पे पीपीटी कोर्स फी दी गई। तो फर्स्ट कॉलेज आ जाता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर। यहाँ पे जो पीपीटी कोर्स की फीस है वह 53,000 53,900 रुपी है। देन कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे जो 8 लाख रुपये है। एंड नेक्स्ट कॉलेज आता है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे जो 5.6 लाख रुपये है। देन सिटी जॉन नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यहाँ पे जो है 3.6 लाख रुपये है पीपीटी कोर्स की फ़ी। देन नेक्स्ट कॉलेज आता है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, यहाँ पे जो 5 लाख रुपये है। देन आता है नेक्स्ट कॉलेज MS रामिया मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे जो है 14 लाख रुपये आपका पीपीटी कोर्स का फीस जो है लगेगा। देन आता है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मौलाना, यहाँ पे जो पीपीटी कोर्स की फ़ी वह 3.3 लाख है। देन इसके बाद दिया गया है पद्मश्री डॉक्टर डी वाई पाटिल विद्यापीठ नवी मुंबई, यहाँ पे जो पीपीटी कोर्स की फ़ी है वह 28 लाख रुपये है। एंड पारुल यूनिवर्सिटी में 6.4 लाख रुपये है, सविता यूनिवर्सिटी में जो 3.1 लाख रुपये। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जो हमने एबब कॉलेज और फीस बताए हैं, तो इन सभी कॉलेजेज में जो फीस यहाँ पे दिए गए हैं इनमें जो चेंजेस भी हो सकता है, ये फीस जो है हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। पर जो यहाँ पे हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो कलेक्ट किया है डाटा, हमने उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी आप लोग गूगल पर सर्च करके जो पर्सनल मतलब एक एक कॉलेज के बारे में अगर आपको पर्सनल डिटेल्स जानना होगा तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि पीपीटी कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी डिटेल्स कितनी होंगी, मतलब सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कार्य करते हैं तो आपकी जो सैलरी वगैरह 3.2 LPA होगी। यहाँ पे गिविंग फिजियोथेरेपी केयर टू पेशेंट इन अ क्लिनिकल सेटअप, आप जो है क्लिनिकल सेटअप में पेशेंट को जो है फिजियोथेरेपी केयर पर जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो जो है क्लिनिकल सेटअप में पेशेंट को फिजियोथेरेपी केयर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी जो सैलरी होती है 3.2 LPA है। देन यहाँ पे अगर आप रिसर्चर्स के तौर पर जो वर्क करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी 7.6 LPA। एंड नेक्स्ट बात करते हैं तो लेक्चरर के तौर पर आपकी जो अगर आप वर्क करते हैं जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वह 6.2 LPA। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया होम केयर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में तो 2.9 LPA। तो ये सैलरी यहाँ पे जो दिया गया, या जो आप जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूट और वहाँ पे जो कॉलेज जो मतलब हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सैलरी ऊपर नीचे भी हो सकती है, कोई करेक्ट यहाँ पे जो है डाटा नहीं दिया गया है, बस एक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे डिटेल्स आपको हम बता दे रहे हैं। तो स्पोर्ट फिजियो रिहेबिलिटेटर के रूप में अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 LPA जो है सैलरी मिलेगी। एंड देन उसके बाद आता है मेडिकल कोडिंग एनालिस्ट, अगर आप मेडिकल कोडिंग एनालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं तो आपको जो जो सैलरी होगी आपकी वो 4.4 LPA होगी। देन यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आप नीट को बीपीटी कोर्स करने के लिए नीट सभी कॉलेज में मतलब सभी कॉलेज से बीपीटी कोर्स करने के लिए आपको नीट देना जरूरी है कि नहीं, तो कुछ ही तो ऐसा जो है कंपलसरी नहीं है, आपको बता देना है। आपको यही बताना चाहते हैं कि जो मतलब कुछ ही कॉलेज है जहाँ से आप बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं जो कि नीट के थ्रू जो कंडक्ट जो कॉलेज नीट में जो है इंक्लूड हुए हैं उन्हीं में अगर आप बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा। सभी कॉलेज से बीपीटी कोर्स करने के लिए आपको नीट का एग्जाम नहीं देना होगा। तो यहाँ पे दिया गया एस कैंडिडेट कैन चूज बीपीटी कोर्स विदाउट हैविंग टू सिट फॉर नीट, देर आर सेपरेट कॉलेजेस दैट ऑफर बीपीटी कोर्स एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर इंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। तो अगर आप जो है नीट के थ्रू बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कुछ ही कॉलेज में बीपीटी कोर्स को कर सकते हैं, बट कई ऐसे कॉलेज सेवरल कॉलेज जहाँ पर जो बीपीटी कोर्स में एडमिशन होता है वह जो है इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होता है, ना कि नीट के बेसिस पर। तो यहाँ पे दिया गया है दीज आर मेंशनड बिलो, तो यहाँ पे उन कॉलेजेस के बारे में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कॉलेज नेम दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देन यहाँ पे दिया गया यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए बीपीटी कोर्स में तो आप लोग JNI पास UG इंट्रेंस एग्जाम को जो है रिक्वायर्ड करना होगा। देन यहाँ पे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे जो आपको CBSE 12th की जो है मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। देन इसके बाद यहाँ पे दिया सिटी जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यहाँ पे अगर आप बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको CBSE 12th का जो है पास आउट होना जरूरी है। देन इसके बाद है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो यहाँ से अगर आप बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका जो CBSE 12th जो है कम्प्लीट होना चाहिए। देन MT यूनिवर्सिटी नोएडा, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको SWIFT इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको SWIFT क्लियर करना होगा। LPU से LPU नेस्ट का इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अगर आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको IPU सेट एंड SWIFT का इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। देन यहाँ पे दिया है व्हिच बीपीटी कोर्स इज द बेस्ट व्हेन इट कम टू परसिंग अ
क्रूसिंग या करियर इन बीपीटी, चूजिंग द राइट स्पेशलाइजेशन इज अ क्रूशियल डिसीजन। इज स्पेशलाइजेशन ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, मेकिंग इट इसेंशियल टू कंसाइडर पर्सनल इंटरेस्ट, स्किल एंड करियर गोल्स, व्हाइल देयर इज नो डिफिनेटिव आंसर टू व्हिच बीपीटी कोर्स इज द बेस्ट। कैंडिडेट कैन कंपेयर द बिलो गिवन एवरेज एनुअल सैलरी टू हेल्प देमसेल्फ मेक एन इन्फॉर्मेशन चॉइस। तो अगर आपको यह डाउट हो रहा होगा कि बीपीटी कोर्स बेस्ट है कि नहीं है हमारे लिए, तो आप जो है यहाँ पे जो नीचे सैलरी दिया गया है, मतलब आप इसको जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से अनदर कोर्सेज की सैलरी से, अनदर कोर्स करके जो जॉब मिलता है उसकी सैलरी से आप जो कंपेरिजन करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि बीपीटी कोर्स आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं कि बीएमएस, कि बीएचएमएस, कि बीएससी नर्सिंग, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप अपने इनकम एंड अपने तैयारी के अकॉर्डिंग आप वो कोर्स कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया आर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के रूप में अगर आप जो है यहाँ पे कार्य करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी जो है एनुअल सैलरी वह 90,000 रुपये जो है पर जो है मिलेगी। देन उसके बाद आ जाता है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी की जो सैलरी होती है वह 1.70 लाख जो है एनुअल सैलरी होती है। एंड पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की जो 3 लाख होती है, जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी की जो है वह 4 लाख रुपये जो है होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल पल्स नीट। जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिकल पल्स नीट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।